जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके फोटो में कपड़ा लगना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वर्ल्ड चैनल राशन फोटोग्राफी। जैसा कि गाइस आप लोग का पता है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को ये बताया था कैसे आप लोग मतलब पिक्सार्ट एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग अपने फोटो के अंदर कपड़े वगैरह को यहां पर चेंज कर सकते हो। लेकिन हो यू रहा है कि मतलब कुछ भाइयों के पिक्सार्ट एप्लीकेशन में रिप्लेस वाला टूल यहाँ पर काम नहीं करता है, ये वाला मतलब ए आई रिप्लेस टूल। तो यही के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है, जिसमें गाइस आज मैं आप लोग को ऑनलाइन मतलब फोटो में कैसे कपड़ा चेंज करते हैं यही आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ कुछ फोटो के सैंपल को देख ही सकते हो, इस तरह का मतलब फोटो को एडिट करना बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वाले वीडियो को लास्ट से वॉच कर लीजिएगा, और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को तो इस वाले वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर से करना, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो मेरे प्यारे भाई, फोटो में मतलब कपड़े को चेंज करने से पहले आप लोग को यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। आप लोग का मतलब अपने फोटो को अच्छे तरीके से एडिट करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से एडिट करने का मतलब आप लोग अपने फोटो में बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा, फेस स्मूथ कर लीजिएगा, हेयर एडिटिंग कर लीजिएगा, जितना ही मतलब काम रहता है एडिटिंग में सभी आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। और करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर गूगल क्रोम एप्लीकेशन को यहाँ पर इस तरह से ओपन आप लोग को कर लेना होगा। और यहाँ पर क्या करना है, सर्च बॉक्स के आइकॉन पर एक बार टैप करके यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को एडोब फायरफ्लाई यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है। स्पेलिंग आप लोग को दिखलाता हूँ, ADO और B करके आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो नीचे सजेस्ट में यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप लोग को मार्क करके दिखलाता हूँ। तो सिंपली आप लोग को इस वाले मतलब इस पर एक बार क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ से फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग से ना इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको मतलब नीचे की ओर इस तरह से स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग को क्रिएट विथ फायरफ्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है इस तरह से। और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, साइन इन वाला ऑप्शन पर टैप करके आप लोग अपने जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिएगा। बिना लॉगिन किए आप लोग मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंटिन्यू विथ गूगल के आइकॉन पर टैप करके अपने मतलब एक जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ इसको। जैसा ही आप लोग अपने जीमेल आईडी से इसको लॉगिन करोगे तो आप लोग से ना इस तरह का अपलोड इमेज का एक आइकन खुल के आएगा। और मैं आप लोग का पहले ही बतला दूं कि जब तक आप लोग अपने जीमेल आईडी को लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप लोग से ना अपलोड इमेज का ऑप्शन नहीं खुल के आएगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अपलोड इमेज के आइकॉन पर टैप करना है। यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली से अपने फोटो को यहाँ पर ऐड हम लोग कर लेते हैं इस तरह से। जैसा ही आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करते ही आप लोग सामने इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा, देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, नीचे में आप लोग को ऐड के ऊपर एक बार क्लिक करके दोनों फिंगर से आप लोग को फोटो को हल्का सा जूम करना है इस तरह से। और अगर ब्रश के साइज को हल्का सा कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। और अपने कपड़े के ऊपर कुछ इस टाइप से इसको ब्रश करना है, यहाँ पर टाइम देकर आप लोग को मतलब अच्छे तरीके से करना होगा, तभी आप लोग के फोटो में बेहतरीन बेहतरीन मतलब कपड़ा यहाँ पर लग सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वीडियो को हल्का सा मतलब फास्ट करके मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर करूँगा। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम देकर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको ब्रश कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। मैं जानता हूँ कि हल्का सा मतलब यहाँ पर इसको करना हार्ड है, बट अगर आप लोग मतलब ब्रश के साइज को छोटा कर करोगे तो आपका ये मतलब यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग का सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस वाले सर्च के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, चेंज क्लॉथ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है, CHANGE और CLOTH करके यहाँ पर क्या करना है, जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा ये मैंने जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे फोटो के अंदर यहाँ पर कपड़ा लग चुका है, आप लोग देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर आप लोग को तीन फोटो देखने को मिलेगा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। अगर आप लोग को पसंद नहीं आता है तो आप लोग को यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ हल्का सा मतलब यहाँ पर लोड होगा ये, और फिर से मतलब तीन फोटो यहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितना बेहतरीन बेहतरीन कपड़ा यहाँ पर लग चुका है हमारे फोटो के अंदर। और
तो मेरे को यहाँ पर ये वाला काफी अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको मतलब सिलेक्ट करके यहाँ पर कीप के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी लगाना, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ के साइड एक पैरट को लगा के दिखलाता हूँ, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड वाले टूल पर एक बार क्लिक करके फोटो को आप लोग को जूम करके जहाँ पर भी आप लोग को पैरट को लगाना होगा यानी कुछ भी लगाना होगा तो वहाँ पर इसको इस टाइप से आप लोग को ब्रश कर देना है लाइक कुछ इस तरह। यहाँ पर ये हल्का सा इसको इस तरह से कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आप लोग क्या करना है सिंपली सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पर क्या करना है पैरोट आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है। आप लोग को जो भी लगाना होगा यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है और हल्का सा मेरे को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग आज यहाँ पर देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फोटो के अंदर पैरोट भी लग चुका है, देख सकते हो यहाँ पर कितना रियल तरीके से लग रहा है। तो मुझे ये वाला पसंद आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करके कीप के ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर कर देता हूँ। तो उसी प्रकार आप लोग अपने फोटो के अंदर कुछ भी मतलब चेंज कर सकते हो, यानी कि फोटो में कपड़े बदल सकते हो, मतलब कुछ भी आप लोग यहाँ पर इस वेबसाइट की मदद से चेंज कर सकते हो। और फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली आप लोग को ऊपर में एरो का एक आइकॉन देखने को मिलेगा, आप लोग को मार्क करके दिखलाता हूँ। तो इस वाले एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पर टैप करके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका मतलब फोटो यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना।